नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर बाय कमल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, इस सांची के स्तूप के हम दूसरे भाग में आपको बताने वाले हैं। ये पहला भाग हमने अपलोड कर दिया था और अभी हम दूसरे भाग बताने वाले हैं आपको इसमें जानकारी। और यहाँ पे देखिए, हम दोस्तों के साथ में आए हुए थे और अभी हम जा रहे हैं नीचे उतर कर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरे पत्थर ही पत्थर है और पूरा पहाड़ ही पहाड़ पर बसा हुआ है। यहाँ पर जो एडवेंचर, जो जंगल है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखने लायक है, मतलब आप अगर आप आकर विजिट करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देख सकते हैं, हम लोग वीडियो बना रहे थे और इधर से आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो आप, ये पूरा जंगल है। और अभी हम एक स्तूप हम देख लिया था जो मेन फ्रंट गेट पर था, लेकिन जो अभी हम ये सामने जो तलाई दिख रही है, इससे थोड़ा सा आगे एक और स्तूप है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे स्तूप भी बहुत सारे बने हुए हैं, तो वो हम सारे आपको बताएंगे। अभी हम नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से और ये दिखाएंगे। सामने एक कुंड बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है और सामने वो गार्ड बैठे हुए है। वो ये देख, पानी बिल्कुल झाड़ पेड़। हाँ तो दोस्तों, ये जो सामने दिख रहा है एक और स्तूप है, जो कि हम आपको इसके बारे में बताएंगे। स्तूप टू दूसरे नंबर का है। देखिए इसकी संरचना कितनी अच्छी है और आप देख सकते हैं बहुत ही कलाकारी से, बारीक बारीक की कलाकारी से बनाया गया है। मानना पड़ेगा कि पहले भी जो इंजीनियर थे, गजब की कलाकारी थी उन्होंने, कि जो अभी तक ये विरासतें टिकी हुई है। इनकी मजबूती अगर देखा जाए तो ये बहुत मजबूती है इनकी। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन ज़िले में ये आता है। आप आएँ तो ज़रूर एक बार विजिट करिए। छोटी सी पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर आने के बाद बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। आप भी बोलोगे कि ये चीज़ अभी तक कहाँ छूट गई थी। हम भी यही सोच रहे थे, ये हमारे गांव से कम 135 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन हम भी यहाँ आज तक नहीं आए थे। पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और अभी हम ये इधर देख रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, बाहर के भी है, इधर अदर स्टेट से भी आए हुए है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, डेली यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। जगह ही ऐसी है, यहाँ पर बहुत बढ़िया जगह है अगर देखा जाए तो। इसकी खोज सन 1818 में ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने सांची की खोज की थी। उसी दौरान ये मंदिर और आसपास के अन्य मॉन्यूमेंट्स भी मिले थे। इसकी खोज जनरल अफसर टेलर ने की थी सन 1818 में। और ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये बहुत ही बढ़िया जगह है, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए सांची स्तूप, तीनों सबसे पुराना है। सांची स्तूप मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रचलित कला और वास्तुकला का एक उदाहरण है। माना जाता है कि स्तूपों के निर्माण का मुख्य कारण बौद्ध धर्म के दर्शन का प्रचार और संरक्षण करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति भी रखी हुई है। और ये बहुत से टूरिस्ट लोग सेल्फी ले रहे, कोई वीडियो बना रहे, बहुत अच्छी जगह है। बहुत लंबी चौड़ी जगह में फैला हुआ है। यहाँ पे मूर्तियाँ हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं, इधर बहुत से टूरिस्ट अलग अलग, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर आकर। और ये देखिए आप, ये यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है। और ये सामने है, ये इसमें ताला लगा हुआ है, अभी ये इसको बंद कर दिया गया है। और इसके पीछे मैंने जाकर देखा, ये जैसे ये यहाँ पे एक मूर्ति है, ये भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और इसके पीछे मैंने घूमकर देखा आसपास, तो बहुत छोटी गली है। और ये देखिए यहाँ पे ये मूर्ति, ये भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है मूर्ति। लेकिन जो दिखते हैं दोस्तों इधर से मूर्तियाँ, ये इधर पीछे से पूरी मूर्ति हमने आपको दिखाई जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ये सामने बहुत जगह है और ये देखिए ये मूर्तियाँ भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो आप देखिए ये मूर्तियों को, और इसमें अंदर ताला लगा हुआ है इसमें से। और इधर ये देख सकते हैं आप, ये टूरिस्ट लोग हैं और ये छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं सामने, ये चारों तरफ ऐसे ही मेन दरवाजे हैं, मेन गेट है जिससे ऊपर जा सकते हैं स्तूप पर। और ये हम भी ऊपर गए थे, तो अभी जाकर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ पर क्या कला करती है। और हम ऊपर आ चुके हैं,
तो आप देखिए ये ऊपर टूरिस्ट लोग ऊपर भी आए हुए हैं बहुत से लोग, और ये देखिए जो इसकी मजबूती है, जो इसका पत्थर है जो मजबूती है वो देखने लायक है, गजबी मजबूती से इसको बनाया गया है। और ये देखिए सामने जो कलाकृति है कितनी खूबसूरत है, और सामने हरा भरा गार्डन भी है। और फिर हमने बना लिया एक हमारा स्लो मोशन वीडियो, तो आप देखिए हमने स्लो मोशन वीडियो बनाया है इसमें, और इसको आप देख देख सकते हैं सामने जो हरा भरा गार्डन है, बिल्कुल हरा भरा गार्डन है दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है ये भगवान बुद्ध का मंदिर है, ये इसको बोलते हैं चेत्यागिरी विहार, ये भगवान बुद्ध का ये मंदिर है। और इसको इसमें अंदर वीडियो बनाना फोटो खींचना ये अलाउड नहीं है, तो हम आपको अंदर का दृश्य तो दिखा नहीं सकते क्योंकि उसमें बैन है ये चीज़ें, अंदर इसमें वीडियो नहीं बना सकते, ना ही आप फोटो सेल्फी वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते इसमें, सिर्फ आप अंदर जाके उसमें दर्शन कर सकते हैं, अंदर जाके आप उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।